देखो भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं हम जीव आत्माएं हैं, ये शरीर नहीं है हम, इसका नाश हो जाएगा एक दिन। यहीं से मिला माता पिता के द्वारा यहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं मैं सबका शुभ चिंतक हूं। भगवान जो कहते हैं वही सही है। हम कई बार जो कहते हैं मन में कुछ होता है, कहते कुछ है नहीं, भगवान जो कहते हैं वही सही है। तो उसके फलस्वरूप क्या भगवान चाहते हैं कि हम यहाँ से सब निकलें आवागमन के चक्कर से, 84 के चक्कर में से, ये जो इंद्रियों के तर्पण में हम पड़े हुए हैं इससे निकलें और अपने घर को वापस आए। कौन सा हमारा घर है, ये रिट्टी का या उधमपुर का या पैंथल का या सतैनी का घर? हमारा घर नहीं है, हमारा घर वैकुंठ लोग हैं। लेकिन आज हम वैकुंठ से अलग हो गए हैं और आवागमन के चक्कर में पड़ गए हैं। तो बहुत सारे दोष आ गए हम में, भगवान से अलग होने के कारण बड़े दोष आ गए। हृदय बड़ा पत्थर हृदय हो गया, विश्वास खत्म हो गया, आंखें बेकार हो गई, नहीं दिखते भगवान, जबकि कण कण में भगवान, हर जगह भगवान है। भगवान ने नृसिंहदेव के रूप में जब प्रकट हुए ये सिद्ध कर दिया, जब हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध में है राक्षस अपने पुत्र के ऊपर, पुत्र का दोष, वो भक्त है भगवान का। आज के माँ बाप बच्चे को भक्त नहीं बनाना चाहते, उसको मॉडर्न बनाना चाहते हैं ताकि वो नरक में जाए बस। प्रहलाद महाराज भक्त बनना चाहते थे, भक्त थे बड़े, मारने का प्रयास किया जा रहा है प्रहलाद महाराज को, दोष भक्ति। लेकिन प्रहलाद जी से शिक्षा लेनी है, भक्ति करें हम तुम्हारा, कोई विरोध करें हमें जान से भी मार दे तो हमें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मरना तो एक दिन है ही, भगवान की स्मृति में मर गए तो भगवान मिल जाएंगे। प्रयास किया बड़ा, समुद्र में फेंक दिया, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया, वो भी तेल भी ठंडा हो गया, बशीले सांपों के कमरे में बंद कर दिया, सांपों ने भी कुछ नहीं कहा, बर्फ में बाहर बैठा दिया, जम गया सब कुछ, कुछ नहीं हुआ। पूरा प्रयास किया, लेकिन कहा है ना कि महाप्रभु कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, बोलो मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण हमारी रक्षा करें तो कौन मार सकता है हमको, और कृष्ण अगर मारना चाहे तो कौन बचा सकता है। दुर्योधन को कृष्ण भगवान मारना चाहते थे क्योंकि वो बदमाश था, दुष्ट था, बड़े बड़े योद्धा उसके साथ में, भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, कृपाचार्य भी, कर्ण भी, बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन नहीं भगवान उसके साथ नहीं थे। आकर दुर्योधन को और उसकी पार्टी को मरना पड़ा। तो हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध में कहाँ तेरा भगवान, पिताजी आप में वही बोल रहा है, वो सर्वत्र है, आज देखता हूँ तेरा भगवान, समय आ गया ना उसके जाने का, तेरा भगवान तेरे को कैसे बचाता है। एक बात और याद रखो, मुझे याद आई एक बात, हर कुछ समय पे होता है, समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है, समय आने पे सब कुछ होगा। बड़ा क्रोध में है, क्या खंभे में इतना भगवान है, हाँ पिताजी इसमें भी है, खंभा जड़ है, हम चेतन है चल फिर रहे हैं, ये जड़ है, भगवान ने ये तो बता दिया चेतन में तो हूँ मैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं भगवान, लेकिन हर जगह कण कण में भगवान, आज देखता हूँ तेरा भगवान कैसे तेरे को बचाता है। क्रोध में राक्षस ने
जोर से गदा, गदा जो है शंख चक्र गदा मारी खंभे को, खंभा पड़ा, उसी में से दिव्य भगवान प्रकट हो गए नृसिंहदेव। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। तो सब जगह भगवान है, खाली दृष्टि में कमी है। वो दृष्टि पैदा करनी है, शुद्धि से होगी, कृष्ण भक्ति से होगी, श्री कृष्ण की शरण में आने से होगी। श्री राधा शरणम्, श्री राधा शरणम्, श्री कृष्ण शरणम्, श्री कृष्ण शरणम्, श्री राधा शरणम्, श्री राधा शरणम्, श्री कृष्ण शरणम्, श्री कृष्ण शरणम्, श्री राधा शरणम्, श्री कृष्ण शरणम्, हमें भगवान की शरण में आना है। ऐसे संतों की कृपा से, राधा रानी की कृपा से कृष्ण की शरण, सीधे शरण नहीं मिलेगी। जैसे आपको अभी मोदी जी से मिलना हो, सीधे जाके मिल सकते हो? बोलो, पहले सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा। एक बार जब वो सीएम थे तब तो मिले थे हम, लेकिन पीएम बन के नहीं मिल सकते अभी, प्रयास कर रहे हैं, नहीं सफल हो रहे हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके जो भक्त हैं, भक्त शिरोमणि राधा रानी हैं, उनकी कृपा कभी वो सिफारिश कर दें, भगवान जरूर मिल जाएंगे। तो भगवान हम सबका भला चाहते हैं, उसी के फलस्वरूप अभी भाई हम लोग जड़ हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, मन मलिन हो गए हैं, पत्थर हृदय हो गए हैं, हमारी आंखें भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकती। जो हमारी आंखें देख सकती हैं भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। हमारी आंखें पत्थर देख सकती हैं तो भगवान विग्रह के रूप में आ जाते हैं। पेंटिंग दे सकते हैं उस रूप के, उसमें रूप आ जाते हैं उस रूप में। तो घटना भी एक थोड़े दिनों की घटना है। उस बालक का नाम क्या है, चंडीगढ़ वाले का? एक बालक चंडीगढ़ में मंदिर में रहता है, अच्छी भावना उसकी। उसको गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु सपने में आए, कहा कि मुझे फलानी जगह फेंक दिया गया है, अमन गर्ग। अमन गर्ग उसका नाम है। बोलो अमन गर्ग की कितनी कृपा उस पर। उसे सपने में आकर भगवान ने बताया, मुझे इस मंदिर से ले गया उठाकर, और फलानी जगह फेंका हुआ है, मुझे वहाँ से तुम लाओ
मंदिर में स्थापित करो। अमन जी ने रिक्शा किया, जो जो भगवान ने डायरेक्शन सपने में दी थी सब वहाँ जाए, भगवान की मूर्ति वहाँ पड़ी हुई है, उस पर सोने का श्रृंगार बना था, तो चोरों ने जो है श्रृंगार सोने का उतार लिया, मूर्ति को फेंक दिया। अभी देखो ये भी कुछ दिनों की बात है, एक महीना होगा, दो महीने, पाँच सात दिन, तो विकराल रूप में भगवान प्रकट होते हैं। ये जो मूर्तियां हैं ये अर्चविग्रह अवतार हैं, जो यमन लोग हैं वो मूर्तियों में नहीं मानते, कहते पत्थर कैसे भगवान हो सकता है, क्योंकि मांस खा खा करके उनकी बुद्धि विचारों की मलिन हो जाती है, दया नहीं दिल में। जो मांसाहार करता है वही धर्म का पालन कर सकता है, इसलिए कहा है जहाँ दया तहाँ धर्म है, यहाँ लोभ तहाँ पाप, यहाँ क्रोध तहाँ काल है, यहाँ क्षमा तहाँ आप, दया, जहाँ दया है वही धर्म रह सकता है। अगर बेचारे बेकसूर जीवों को, बेजुबान जीवों को बोल नहीं सकते, उनको मार कर खाएं, तो कहाँ दया का प्रश्न कहाँ है, हम निर्दयी हैं, बेचारे जीव बोल नहीं सकते, उनको मार कर खा जाते हैं। मांसाहारियों के कभी सदगति नहीं उनकी, उनको फिर वो जीव उनको मारेंगे। ऐसे एक बात सुनाते थे कि कसाई, शायद सदन कसाई थे, जखून थे, वो उनका जो पिता वो भी कसाई के थे, वो बासा मांस नहीं बेचते थे। कभी कोई रात के समय उनके पास आया मांस, तो उन्होंने भी रात को पशु काटा अगर तो फिर सुबह तक बासा हो जाएगा। वो उसने कहा कि पहले इसकी मैं टांगें काट लेता हूँ, फिर दिन में मारूँगा। जब ऐसा करना चाहा, वो पशु जो था बैल था वो हंसने लगा, तो पूछा भाई आप क्यों हंसे, कहते कई बार इसने मेरे को मारा, कई बार मैंने इसको मारा, पर अब ये नया सिस्टम जो शुरू कर रहा है इस पर मैं हंसा, अब ये मेरी टांगें काट रहा है फिर मैं इसकी टांगें काटूंगा। करनी भरनी तो है ना, करनी भरनी आपकी ना माई की ना बाप की, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो दया बड़ी जरूरी है। हम लोग इंद्रिय अपने आप को शरीर समझ करके इसके सुख भोग में लगे रहते हैं। कई लोग, एक जम्मू के थे, एक ब्राह्मण ही थे वो, पंडित शर्मा जी, एक किलो मांस रोज खाते थे, पंजाबी थे। मैंने कहा ये क्या करते हैं आप, कहते यही तो एक चीज प्योर मिलती है, मांस में कोई मिलावट नहीं है, प्योर है। कितनी गंदी वस्तु से मांस बनता है, माता की रज पिता के वीर्य के मिलने से ये शरीर का निर्माण होता है, उसको प्योर कह रहा है, कैसे फिर लोगों का मंगल होगा। तो लोग बड़े पतन की ओर जा रहे हैं, दया नहीं दिल में, निर्दयी हैं। निर्दयियों को तो दंड भोगना पड़ेगा भाई, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो जहां दया है हृदय में तो वहीं धर्म का पालन हो सकता है, और दया नहीं है लालच है लोभ, यहां लोभ तहां पाप, यहां लालच होगा वहां पाप करेंगे आदमी। पाप का बाप लोभ है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां, जहां क्रोध आता बड़ा
क्या हो गया, तुम हंस क्यों रहा है? क्रोध, जहां क्रोध तहां काल है, जब क्रोध है यहां पर वहां काल का वास है। किसने गलती कर दी, क्षमा किया, जहां क्षमा तहां आप। कथा के बीच में मुझे कथा याद आ गई। एक बार ऋषि मुनि देवताओं में मीटिंग हुई, भाई ये तीन मूर्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में बड़ा कौन है? कोई कहे ब्रह्मा जी बड़े हैं वो रचना करते हैं, दूसरे कहे शिव बड़े हैं वो संहार करते हैं, तीसरे कहे विष्णु बड़े हैं वो पालन करते हैं। पर निर्णय पे नहीं, कैसे ही निर्णय नहीं, फिर सब ने मिल के भृगु जी को चुना, भृगु ऋषि जी को। बोलो भृगु जी महाराज की। भृगु जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कहा महाराज आप जाओ इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा करके हमें बताओ कि बड़ा कौन है इनमें। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये नहीं उन्होंने जाकर कहा कि ब्रह्मा जी मेरे बड़े हैं, नहीं मेरे पिता बड़े हैं, नहीं। ब्रह्मा जी की परीक्षा भृगु जी ने कैसे ली? मन से उनके प्रति अपराध किया, ब्रह्मा जी को मिलेंगे, ब्रह्मा जी आओ बेटा भृगु कैसे हो तुम ब्रह्मलोक में? तो भृगु जी चुप करके खड़े हैं, परीक्षा लेने आए हैं ना, मन से परीक्षा, कुछ बोले नहीं, ये नहीं जाके प्रणाम करना अपने पिता को या कुछ नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को जब बड़ा क्रोध आया तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं इसको मार दूं, जान से मार दूं इसको मैं, सोचने लगे अपने पुत्र को मारूंगा, क्रोध को मतलब ये रजोगुण की, रजोगुण से ब्रह्मा जी रचना करते हैं, क्रोध को कंट्रोल में कर लिया कि मेरे पिता में रजोगुण की प्रधानता है, ये बड़े नहीं है तीनों मूर्ति में। आगे शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान के पास, उधर मन से अपराध किया चुप रहे, शंकर भगवान आओ भैया भृगु आपका कैलाश में स्वागत है, या वाणी से मेरे पास मत आओ। शंकर अवाक, आपके शरीर पर भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत आपके संगी हैं, शमशान की भस्मी लगा रखी है आपने, मेरे पास मत आओ। परीक्षा, शंकर भगवान का क्रोध आ गया, तमोगुण से शंकर संहार करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने क्रोध अपना त्रिशूल उठाया, लगे मारने, भृगु जी भागी तो मारने ही आ गए मेरे को, तेरे को माता पार्वती वही सती वही पार्वती वही दुर्गा माताएं, भृगु जी भाग रहे हैं और पीछे से शंकर भगवान त्रिशूल लेके पीछे ले। क्या कहने लगे, वैसे मैंने अपनी तरफ से थोड़ा इसमें डाल दिया है माता, कहते महादेवी क्या कर रहे हैं आप, इसको भूत प्रेत दिखा रहा हूँ, पहले मेरे पास आता पड़ा अच्छी तरह, भाभी कहते हैं भूत प्रेत मेरे संगी है इसको मारता हूँ मैं, कहते ब्रह्मा हत्या करेंगे आप। माता ने शांत कर दिया, भृगु जी चले गए, कहते ये भी बड़े नहीं हैं, इनमें तो तमोगुण की प्रधानता है, पहले मन से अपराध, फिर वाणी से, अभी शरीर से। आगे वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास, बोलो वैकुंठ नाथ की। जब आगे तो द्वारपालों को नहीं पूछा, घुस के भगवान के कक्ष में, भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शाइन कर रहे हैं, पहले मन से अपराध, फिर वाणी से, अभी वाणी से, अभी शरीर से, जाके झट भगवान की छाती पर जोर से लात मारी। जब लात मारी वे देखते हैं क्या क्या करते हैं भगवान, परीक्षा लेने आए हैं। धीरे धीरे विष्णु भगवान उठे और खड़े हो गए, हाथ बांध कर, सो नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, ऐसे तो प्रणाम नहीं करना बार बार, थोड़ी देर में ऐसे कर दे तो फिर ये खड़े हो गए जो बैठे ही रहे वहीं पर, इधर इधर खड़े हो जाओ। तो प्रिय बंधुओं प्रतिक्रिया क्या हुई कि विष्णु भगवान धीरे धीरे उठे,
हाथ बांध के खड़े हो गए। कहते हैं ब्राह्मण देवता, अब मेरे वैकुंठ में आए, मैं द्वार तक आपका स्वागत करने तक नहीं आ सका, और मेरी ये जो छाती बड़ी बज्र के समान कठोर है, आपके कोमल चरण को लग गई होगी, आप मेरे इधर आसन पर बैठो, मैं आपका चरण थोड़ा दबा देता हूँ। भगवान के इस व्यवहार पर भृगु जी अवाक, ये भगवान की प्रतिक्रिया हुई विष्णु भगवान की, पर माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आ गया। थोड़ा सा पीछे हो गया वो, थोड़ा सा बस इधर। लक्ष्मी माता जो हैं, इस ब्राह्मण ने इतनी मेरे पति का अपमान किया। लक्ष्मी माता कहती, मैं श्राप देती हूं, मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण ने, इसने मेरे पति का अपमान किया है। भृगु जी कहते हैं, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। लक्ष्मी माता, श्राप नहीं देता हूं, मैं एक ऐसा ग्रंथ बनाऊंगा जिसका नाम पड़ा भृगु संहिता, आज भी वो ग्रंथ है, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में। ऐसा ग्रंथ लिखूंगा कि जिन ब्राह्मणों के पास ये ग्रंथ होगा तुम्हें उनके पास जाना ही पड़ेगा। अभी जो भृगु संहिता वाले ब्राह्मण है, बड़ा पैसा उनके पास, तो फिर एक दोहा लिखा गया, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो, जो भृगुमारी लात। बड़ों को क्षमा करना चाहिए, छोटे गलतियां करते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गए हो, जो भृगु मारी लात। फिर भृगु जी ने यह निर्णय दिया कि तीनों मूर्तियों में विष्णु भगवान बड़े हैं, इनमें ना तमोगुण है ना रजोगुण है, शुद्ध सतोगुण में है, तो हमने शुद्ध सतोगुण में भगवान जो हैं उनको मिलने के लिए हमने सतोगुणी बनना है। क्रोध तमोगुणी चीज है, क्रोध में अगर हम भरे रहे तो भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए शुद्ध सत्वगुण में अपने आप को स्थित करना होगा। तो भगवान ने हमको शुद्ध सत्वगुण में स्थित करने के लिए अर्च विग्रह रूप में अवतार लिया है। अभी देखो कि अपना गौर भगवान का विग्रह, छोटा विग्रह इतना सा, किसी ने चुरा लिया। भगवान ने एक अच्छी आत्मा को, उसको अनमोल अमन गर्ग को सपने में आके कहा, मुझे पुरानी जगह फेंका गया, मैंने लेके आओ। अमन के बारे में बताना था आपको, भाई ये भी एक भक्त आत्मा है। एक और आपको मैं कथा सुनाता हूँ, वो कथा का प्रमाण आज भी है, पुरानी कथा है। पहले जो तीर्थ यात्राएँ होती थी, पैदल की जाती थी, वाहन या रेल या जहाज वगैरह नहीं थे, पैदल लोग जाते थे। जो जाता था तीर्थ यात्रा में, पता नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा, सबसे विदा लेके चले जाते थे। उड़ीसा से दो ब्राह्मण, एक बड़ा धनी ब्राह्मण था, बड़ा पैसे वाला, और एक गरीब ब्राह्मण था। गरीब जो था थोड़ा नौजवान था, धनी वृद्ध था, दोनों वृंदावन दर्शन करने आ रहे हैं भगवान के। रास्ते में भेंट हो गई, साथ मिल गया दोनों का, वृंदावन दोनों आ रहे हैं। उस नवयुवक ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सेवा की, सेवा की, आए गोपाल जी के मंदिर में दर्शन करने गए वृंदावन में। जब गोपाल जी के दर्शन करने गए
और वृद्ध ब्राह्मण कहता है, हे गोपाल भगवान, हे गोपाल कृष्ण भगवान, बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की, अच्छी तरह जय बोलवा है, बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की, प्रेम से बोला करो, उसी कल्याण है, ऐसे है। तो वृद्ध ब्राह्मण कहता है भगवान के सामने, विग्रह के सामने, कि विग्रह साक्षात भगवान है, कि प्रभु मैं आपके दर्शन करने आया था, आपकी कृपा से बालक मुझे मिल गया, मैं वृद्ध आदमी, इसने बड़ी सेवा की मेरी, तो मैं अपनी कन्या का विवाह से करना चाहता हूँ। नवयुवक ब्राह्मण कहता है, महाराज आप बहुत अमीर हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं है, और ऊपर से भगवान के सामने ये वचन दे रहे हैं, भगवान को साक्षी रख के वचन दे रहे हैं, तो अगर नहीं आप, हो सकता है आपकी पत्नी या आपका बेटा नहीं माने, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करूँगा। दोनों पहुँच गए पुरी में, पुरी में पहुँच गए जब, तो वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से बात की कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता, ब्राह्मण मेरे साथ, हम दोनों इकट्ठे वृंदावन गए थे, बड़ी मेरी सेवा की, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उससे करूँगा। क्या मेरे को पूछा आपने? मेरी बेटी नहीं है वो, और गरीब ब्राह्मण के घर में हम अपनी लड़की देंगे? हम इतने अमीर लोग हैं, कहते गरीब होगा क्या है, वो बड़ी अच्छी याद है। नहीं, लड़के को पूछा, लड़का भी चिल्लाने लगा, बड़े लोगों को बड़ा अहंकार होता है ना अपने पैसे का, जो बेचारा वो क्या करे, अभी वृद्ध चुप हो गया, तो वो अभी वो प्रतीक्षा कर रहा है, उसको ये चिंता कि भगवान को साक्षी रख करके उसने वचन दिया तो अपराध हो जाएगा। वो आया, वो आया उसके घर में, दरवाजा खटखटाया, उसका लड़का निकला, कौन? उसने बताई सर, अच्छा तुम ही मेरे बाप के साथ गए थे, रास्ते में उसको धतूरा खिलाकर वचन ले लिया, शक्ल देख तुम अपनी पहले, हम इतने अमीर लोग हैं, मेरी कहते भैया मैंने नहीं कहा था, तेरे पिताजी को मैंने मना ही किया था, और उन्होंने भगवान को साक्षी रख के ये वचन दिया है, नहीं वचन पूरा करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, साक्षी रखे, साक्षी रखे, अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूंगा। लोग इकट्ठे हो गए, जब शोर मचा हुआ था, उसने कहा देखो ये कह रहा है, लोगों को पता लगा भगवान साक्षी देंगे तो ये रिश्ता कर देगा, उन्हीं उल्टे पाँव वो गरीब ब्राह्मण नवयुवक फिर वृंदावन आया, कहा प्रभु चलो उस दिन आपके सामने उसने ये वचन दिया था तो चलो साक्षी देने के लिए। आवाज़ आई, अरे मूर्ति कभी चलती है? उसने कहा अगर मूर्ति बोलती है तो चलती भी है, फिर भगवान कभी छोड़ेगा नहीं मेरे को, कैसे एक शर्त पर चलूँगा, कहते क्या, कैसे पीछे नहीं देखना, कहते फिर मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं मेरे साथ, कि मेरे पाँव में ये जो पाए जे पड़ी हुई इसकी आवाज़ होगी, कहते अच्छा चल पड़े, पहुँच गए उड़ीसा, पहुँच गए उड़ीसा, जब पहुँच गए तो वो पाईजेब की आवाज़ कम हो गई, जब पीछे देखा तो 5-6 फुट मूर्ति भगवान की खड़ी है, गोपाल जी की सड़क में खड़ी है, अरे भगवान ने कहा मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, मैं गया कि चलो चलो भगवान साक्षी देने आया, सब लोग आगे, आज भी वो साक्षी गोपाल का मंदिर उड़ीसा में है, हमने उसके दर्शन किए हैं। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की। तो भगवान जो हैं ये हम लोगों के कल्याण के लिए मूर्ति रूप में आते हैं, ताकि इनकी सेवा कर करके हम जब शुद्ध हो जाएं फिर यही हमसे बातें करेंगे। तो अच्छी तरह यहाँ प्रभुपाद कृपा से ये मंदिर बनाया, प्रभुपाद ने ये मंदिर बनाया और खुद ही विराजमान है, इनकी कृपा से इनकी सेवा करो भगवान की, इनकी सेवा में लग जाओ, जो भी थोड़ा बहुत समय है उसको बेकार के कामों में मत गंवाओ, संसार से भैया कुछ नहीं मिलने वाला, ना आज तक किसी को मिला है ना कुछ मिलेगा, मिलेगा तो इनके चरणों में ही।
प्रभु चरणों में ही, और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभु भज मन राम, सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, भज मन राम चरण सुखदाई, सुख तो प्रभु चरणों में है भाई। संसार की बाकी जगह सुख का भ्रम है। कैसे? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हरे कृष्णा हरे, सारे बोलो, आवाज निकालो, इन्हीं चरणों में है। हमें संसार में सुख कैसे लग रहा है भाई? स्त्री में सुख है या बच्चों में सुख है या धन में सुख है या खाने में सुख है, ऐसे उदाहरण दिया है। मृग पशु, पशु जो हैं गर्मियों के दिन हैं मरुस्थल में रेत में है वो, और उसको प्यास लग रही है। पशु का अकल नहीं है उसको, उस रेत में वो पानी खोजता, भाई कहाँ पानी मिलेगा, देखता है। सूरज की रोशनी से रेत चमकती है, दूर से पानी जैसी दिखाई देती है। मृग तृष्णा,
जप तप व्रत सब ही करो, त्यागो वस्त्र अन्न शैन शांग बिन प्रेम के कभी न हो प्रसन्न। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप जप करो, तप करो, अन्न त्याग दो, वस्त्र त्याग दो, पर भगवान जो हैं प्रेम से प्रसन्न होंगे। जब उनको प्रेम करोगे तो हम जड़ लोग हैं, अपने पापों के कारण जड़ हो गए हैं। पत्थर को देख सकते हैं, भगवान उसी रूप में आ गए हमारी सुविधा के लिए, उसमें विराजमान हो गए। उनकी सेवा करते करते जब हम शुद्ध हो जाएंगे वही हमसे बातें करेंगे। अभी शुद्धि नहीं है, दोष है अभी, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, मोह से लोभ, फिर लालच, फिर अहंकार, अहंकार जीव पागल हो जाता है। तो वो वृंदावन से गए हुए ठाकुर आज भी वहाँ पर उड़ीसा में विराजमान है, उनको साक्षी गोपाल कहते हैं, बड़ी दुनिया दर्शन करने जाती है। जब भगवान उस ब्राह्मण के साथ वहाँ पहुँचे तो चलो कहते चलो भगवान साक्षी देने जाओ, आज देखे सब लोग अवाक, इतनी बड़ी मूर्ति कैसी आ गई। वहीं फिर मंदिर बनाया राजा ने, बड़े भाव से आज भी उनकी सेवा होती है। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की। विग्रह भगवान का स्वरूप है, उनकी सेवा करके हमने अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि जब हो जाएगी तो फिर भगवान तो बैठे हैं हृदय में, अभी भी हृदय में हैं, पर शुद्धि नहीं होने के कारण अशुद्धि का, अहंकार का हमारे और भगवान के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। हम नहीं देख सकते भगवान को, उनको देखने के लिए शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी। बोलो पतित पावन मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आई प्रभुपाद शिक्षामृत आज 29 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद ने मायापुर में कहे थे 29 तारीख को। श्री कृष्ण गोपिका कांत हैं, राधा कांत यह श्री कृष्ण की सच्ची पहचान है। वे गोपिका कांत हैं और वे राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोत्तम साक्षात्कार है। तो भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ, राधा रानी शुद्ध भक्त हैं भगवान की, उनकी तो कोई तुलना नहीं है। भगवान राधा जी के साथ राधा कांत ये सच्ची पहचान है, गोपिका कांत गोपियों के साथ रहते हैं ये उनकी पहचान है, और वे राधा कांत हैं श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोत्तम सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। भगवान भक्त के बस में होते आए, भक्तों के बस में हो जाते हैं। जब जब भीड़ परी भक्तन वह नंगे पांव वो आए, भगवान भगत के बस में होते आए।
बोलो मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय। हरे कृष्ण। रिया सरोहा माता देहरादून से। कौन सी माता? रिया। रिया, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने दो दिन पहले मुझे शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया था और उसके बाद मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ गया। यहाँ पर एक माता जी हैं, उनको 2 महीने से बहुत बीमार हैं, उनके शरीर में खून की कमी हो गई है। कृपया आप उन्हें भी अपना आशीर्वाद दें ताकि वो भी जल्दी स्वस्थ हो सकें और भक्ति में आगे बढ़ पाएँ। उन माता जी को बोलो प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगी और हमारे भी शुभ कामनाएं हैं उनके लिए। हरे कृष्ण।